नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसे लेकर क्षेत्रवासी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। वार्ड 4 नेहरू नगर की पार्षद चंदेश्वरी बांदे ने अब इस भेलवा तालाब को बचाने की पहल की है, जिसके तहत निगम भिलाई के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर भेलवा तालाब की यथास्थिति से अवगत कराते हुए मांग की है कि भेलवा तालाब वर्तमान में नेहरू नगर गुरुद्वारा कमेटी संचालित कर रहे हैं, उसे हटाकर खुद निगम या किसी अन्य समिति के द्वारा रखरखाव करवाया जाए। जब से गुरुद्वारा समिति ने इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ली है, तब से ये परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है, जिसे जल्द सुरक्षित कर आम जन मानस के लिए स्वच्छ व सुंदर बनाया जाए। मेरा नाम चंदेश्वरी बांदे है, मैं वार्ड 4 से हूँ। मैं आयुक्त महोदय के पास में जो भेलवा तालाब है नेहरू नगर में स्थित, वो बहुत ही गंदी हालत में है अभी, और कोई देखभाल नहीं हो रहा है, और वहाँ पे असामाजिक कार्य होते हैं बहुत ज़्यादा। ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है, यही समस्या वाले क्या है। उस तालाब को पहले नगर निगम खुद रख रखाव करते थे, उनके निगरानी में था, तो ऐसा क्या हुआ कि तालाब ऐसी स्थिति में आ गया है? क्या निगम ध्यान नहीं दे रही है या शायद कोई और बात है? जी, वो गुरुद्वारे वाले जो हैं वो अपने देखरेख में लिए थे, लेकिन अभी उनका कहना यह है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसे करके। मैं यही निवेदन करने आई थी आयुक्त महोदय से कि इसको वापस लिया जाए करके, ताकि सुधार हो जाए। कोई देखरेख नहीं भैया, और वहाँ के जितने भी हैं जो सुबह घूमने आते हैं, शाम को भी बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ के लोग कि यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं करते, उसी से बात करनी आई। तो आपने अभी ज्ञापन दिया है, क्या कहा आयुक्त महोदय ने? आश्वासन दिए हैं आयुक्त महोदय ने, बोले कि बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे ऐसे करते। तो अभी आप क्या चाह रही हैं कि निगम अपने हाथ में ले ले या किसी अन्य एजेंसी को दिया जाए? निगम चाहे अपने हाथ में दे या अन्य एजेंसी को दे, दोनों में हम लोग खुश हैं, लेकिन साफ सफाई होना चाहिए, किसी भी तरह हो काम होना चाहिए।